नमस्कार दोस्तों, यूसीए की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, यूसीए का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उदयपुर के विभिन्न कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर द्वारा शुरू किया गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कोचिंग संस्थान, विद्यालय सभी बंद हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कहाँ जाएं, कैसे तैयारी करें, इसके लिए सभी संस्थान के डायरेक्टर ने मिलकर इस नए यूसीए उदयपुर कोचिंग अकेडमी को खोला है। दोस्तों, इसके माध्यम से आप तक घर पर शिक्षा पहुंचाई जाएगी। आप घर बैठे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें आरएएस, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, रीट जिसमें लेवल 1 और 2 दोनों ही, कांस्टेबल, पटवारी, लाइब्रेरियन, एसएससी और विभिन्न परीक्षाएं को पढ़ पाएंगे। साथियों, पिछले 10-11 वर्षों से हिंदी विषय को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ ऑनलाइन सेवा देने का मौका मिला है। मैं सभी यूसीए की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ मुझे निशुल्क सेवा देने का मौका दिया है। दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले अपन शुरू करेंगे समास। सबसे पहले वैसे तो वर्णमाला पढ़ी जाती है, लेकिन वर्णमाला टॉपिक बहुत कम परीक्षाओं में है। जैसे मैं कहूँ कि पटवारी है तो पटवारी में वर्णमाला नहीं है, रीट है तो रीट में भी वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला से जोड़कर हो सकता है एक प्रश्न आ जाए, लेकिन सिलेबस में वर्णमाला नहीं है। व्याख्याता की परीक्षा है तो उसमें भी नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं अपन समास से। दूसरा कारण ये भी है कि अभी हाल ही में व्याख्याता की परीक्षा हुई थी, वहाँ संधि थी, उपसर्ग था, प्रत्यय था, लेकिन समास नहीं था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड है कि सर समास टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो अपन शुरू समास टॉपिक से ही करेंगे, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में काम आने वाला है। आइए शुरू करते हैं समास। समास टॉपिक में कुछ शुरुआत के प्रश्न अपन देखेंगे, यानी कि समास में पूछा क्या जाता है। कुछ शुरू करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि पूछेंगे क्या। समास टॉपिक है, अब उसमें प्रश्न क्या आएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन प्रश्नों से। देखिए, इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछते हैं कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, समास के अन्य नाम कौन कौन से हैं, समास की क्या परिभाषा है, समास के प्रकार कितने हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं। अभी एलडीसी में पूछा था कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न आया कि समास के कितने प्रकार हैं, और एक इस प्रकार से प्रश्न आया कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखना है किसी शब्द में समास कौन सा है। कोई एक शब्द आ गया जैसे नीलकंठ आ गया, इस शब्द में समास कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक, किसी शब्द का समास विग्रह क्या होता है। अधिकांश परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि समास टॉपिक में प्रश्न कौन कौन से आते हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा अपन को पढ़ना क्या है। पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उसका एक आइडिया ये है कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी है। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर अपन इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। साथियों, शुरू करते हैं समास। सबसे पहला प्रश्न आता है समास की परिभाषा का, कि समास कहते हैं किसको। थोड़ा ध्यान रखना होता है समास और संधि की परिभाषा में। समास में दो शब्द मिलते हैं, संधि में दो वर्ण मिलते हैं। समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्द, दो शब्द भी हो सकते हैं या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, दोनों शब्द जो होते हैं उनके बीच की विभक्ति, उसके बीच में कोई शब्द लगा होता है उसको लोप कर एक छोटा रूप बनता है, उसको कहते हैं समास। देखिए जैसे कैसे, एक लिखा हुआ है विद्या के लिए आलय, एक शब्द है विद्या, एक शब्द है आलय। अब इन दोनों शब्दों के बीच विभक्ति लग रही है के लिए। अब जब अपन समास करते हैं, ये समास विग्रह है, जब इनका समास करना होता है तो ये जो विभक्ति है इसका लोप किया जाता है, मतलब इसको हटाया जाता है। फिर पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों आपस में मिलेंगे, एक शब्द बन जाएगा विद्यालय।
ये क्या है? ये समास है। समास को समस्त पद भी कहते हैं और सामासिक पद भी कहते हैं। ध्यान रखना है, जैसे परीक्षा में आता है कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, अब सबको पता है उसको कहते हैं समास। पहला विकल्प आएगा समास, दूसरा आएगा समस्त पद, तीसरा आएगा सामासिक पद और चौथा आएगा उपर्युक्त सभी। तब आपको ये ध्यान रखना है कि सभी कर्ण हैं, ये तीनों ही शब्दों का मेल ही है। फिर समास शब्द का विलोम क्या होता है? तो व्यास, समास जो होता है वो एक छोटा रूप होता है, एक लघु रूप होता है। व्यास का मतलब फैला हुआ, ये फैला हुआ रूप है और ये उसका संक्षिप्त रूप है। इसलिए समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, लघु रूप या संक्षिप्तीकरण। पूछे वो प्रश्न है ये कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ हो क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है और समास की परिभाषा। फिर उसके बाद अपन देखते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार को दो तरह से पूछते हैं। पहला प्रश्न, समास के कितने प्रकार होते हैं? तब आपको करना है 6 प्रकार होते हैं। और दूसरा प्रश्न, पदों की प्रधानता के आधार पर। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा क्या है, समास के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा प्रश्न, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखना है कि समास के 6 प्रकार होते हैं लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार ही होते हैं। तो सामान्य रूप से 1-2 अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि समास। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान और दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान, जिसको ये भी कहते हैं तीसरा पद प्रधान। तो इस तरह से ये 4 प्रकार होते हैं। पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में और कर्मधारय समास में। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद समास में, अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर होते हैं। अब देखिए समास की पहचान, सबसे इंपॉर्टेंट ये है समास की पहचान कैसे करनी। जो हिंदी का विद्यार्थी है उसके लिए हो सकता है प्रश्न सरल है, लेकिन जो इसके अलावा है उसके लिए थोड़ा सा कठिन बन सकता है। साइंस वालों को थोड़ी कठिन लगती होगी हिंदी, कॉमर्स वालों को कठिन लगती होगी, उनके लिए तो विशेष रूप से। जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट हैं वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स वाले साइंस वाले तो कर ही रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सरल है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब अपन लाइन खींचेंगे तो वो मज़ा बिगड़ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप कि कैसे उसकी पहचान करनी है। अब देखिए समास के मैंने 6 प्रकार बताए हैं, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार है। सबसे पहला समास है अव्ययीभाव समास। आप लोगों को इन 6 समास की 1 या 2 विशेषताएं याद रखनी है। अगर आप 1 या 2 विशेषताएं याद कर लोगे तो खूब अपने समास की पहचान लगभग हो जाएगी। अगर आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे कि इन शब्दों में समास कौन सा है, तो उनमें से 8 या 9 का तो आप 100% आप इसका उत्तर दे ही दोगे कि कौन सा समास है। केवल इतना सा याद रखना है। देखिए सबसे पहले कि अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में पहला पद जो होता है, शुरुआत जो होती है उन शब्द की, उसमें उपसर्ग होता है। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगता है, तो उपसर्ग वाले पद आ रहे हैं इसका मतलब अव्ययीभाव समास है। जैसे कि यथा, प्रति, ब, बा, बे, यावत, भर, निर, आ, अ, अनु आदि, ये उपसर्ग वाले पद हैं। अगर उपसर्ग वाले पद होते हैं तो उनमें अव्ययीभाव समास हो सकता है, होगा ही, ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है। कुछ उपसर्ग मैंने लिख लिए हैं, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ प्रतिदिन, एक सामान्य सा शब्द लिखा है मैंने प्रतिदिन। अब देखिए ये प्रति इसमें उपसर्ग है, जैसे आपने प्रति उपसर्ग देखा इसका मतलब उसमें अव्ययीभाव समास है। प्रतिपल, प्रत्येक, प्रत्याशा और ऐसे बहुत सारे हैं। इसी तरह यथाशक्ति, यथाक्रम, यथेच्छा, यथावसर, बकायदा, बा अदब, बे अदब, यावत जीवन, भरपेट, निराशा, आजन्म और ऐसे बहुत सारे हैं।
तो अब आपको इतने सारे शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है कि अपन 1000 शब्द, 2000 शब्द, 500 शब्द, कितने शब्दों को रटते जा रहे हैं, कि इसमें सब में क्या है, अव्ययीभाव समास है। बस आपको इतना सा याद रखना है कि ऐसे कोई उपसर्ग लगते हैं इसका मतलब उसमें क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ज्यादा रटना नहीं है। अब देखिए, अगर उपसर्ग वाले पद नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति का मतलब दोहरान होगा, एक ही शब्द वापस आएगा। वापस कैसे आता है, जैसे भागम भाग, तो भाग के बाद में वापस भाग आ रहा है, लूटम लूट, रातों रात, दिनों दिन, घर घर, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, शब्द का दोहरान हो रहा है, तो वहां अव्ययीभाव समास हो सकता है। दो विशेषताएं याद रखनी है, उपसर्ग वाले पद और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। फिर देखिए द्वंद्व समास, एक ही लाइन याद रखनी है, विलोम शब्द। अगर कहीं आपको विलोम शब्द दिखता है, जैसे सुर का विलोम हो गया असुर, पटवारी में पूछा था उन्नतावनत, संधि करके पूछा था, कभी कभी संधि और समास दोनों एक साथ कर लेते हैं, उन्नतावनत। शब्द में कौन सा समास है, तो यहां क्या हो रहा, संधि विच्छेद जब करते हैं तो उन्नत और अवनत इस तरह का शब्द बनता है। अब उन्नत का विलोम शब्द होता है अवनत, इसका मतलब इसमें द्वंद्व समास है। एक विशेषता याद रखनी है कि अगर विलोम शब्द आते हैं तो वहां द्वंद्व समास होगा। अब आप जो भी विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, जितने भी विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, उन सभी में द्वंद्व समास कर सकते हैं। उपसर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अव्ययीभाव समास, ऐसे कोई उपसर्ग आते हैं तो कर सकते हैं। यानी कि जब आपको उपसर्ग टॉपिक पढ़ना है, जब आपको विलोम शब्द पढ़ना है, तो ये ध्यान रखना है कि अपन समास भी पढ़ सकते हैं साथ साथ में, समास को भी आप रिवीजन कर सकते हैं साथ साथ में। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे सरल माना जाता है ये, कि इसमें पहला पद होता है संख्यावाची। पहला पद जैसे ये चौ आ गया, ये संख्यावाची है, ती आ गया संख्यावाची, दू आ गया संख्यावाची, और ऐसे बहुत सारे। जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां पर भी कौन सा होता है, द्विगु समास। तो कुछ अलग विशेषता है, कभी कभी पहला पद संख्यावाची होता है लेकिन वहां द्विगु समास नहीं होता है, तो ये अपन पूरा विस्तार से टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन कैसे पहचान करनी है, जब आप पूरा सेल टॉपिक पढ़ लेंगे समास वाला, तब आप पहचान लोगे कि हाँ ये है आपके द्विगु समास। लेकिन अभी आपको एक लाइन याद रखनी है कि जब पहला पद संख्यावाची होता है तब द्विगु समास होता है। फिर बहुव्रीहि समास, इसके लिए भी एक ही लाइन है कि आप लोगों को पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे देवी देवताओं के पर्यायवाची पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो वो पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तब आपको याद रखना है कि हाँ ये किसी का पर्याय है, इसका मतलब बहुव्रीहि समास हो सकता है। जैसे कि सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा था शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है, शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है। अब बंदर का पर्यायवाची, इसका मतलब सीधा लगाना है कि इसमें बहुव्रीहि समास है। मुरारी कृष्ण का पर्यायवाची है, नीलकंठ शिव का पर्यायवाची, रेवती रमन बलराम का पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची है इसका मतलब बहुव्रीहि समास है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि समास की परिभाषा क्या है, कि जब दो या दो से अधिक शब्द, तो कम से कम दो शब्द उसमें होने आवश्यक है। जैसे शाखा है और एक मृग है, मूर है और एक अरी है, नील है और एक कंठ है, रेवती है और एक रमण है, दो शब्द है। दो शब्द होगा तभी समास होगा, अगर एक शब्द है तो समास नहीं होगा, क्योंकि समास में कम से कम दो शब्दों का होना आवश्यक है। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द, ये याद रखना है। पर्यायवाची आगे जितने भी पर्यायवाची पढ़ रहे हैं आप लोग, देवी देवताओं के, राक्षसों के, पशु पक्षियों के, दो शब्द आ रहे हैं इसका मतलब उसमें बहुव्रीहि समास आपको करना है। फिर है कर्मधारय समास। अब ये दो समास थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्मधारय समास में दो प्रकार के पदों का प्रयोग होता है, पहला है विशेषण विशेष और दूसरा है उपमा उपमेय। अपन किसी को उपमा देते हैं वो, अपन किसी की विशेषता बताते हैं वो। जैसे कि मैं कहूं नील कमल, नील कमल,
अब ये कमल जो है इसकी विशेषता है कि वो क्या है, नीला है। कमल की विशेषता नीला, ये विशेषण आ गया, और जिसकी विशेषता बदल जाती है उसको कहते हैं विशेष्य। तो कमल हो गया विशेष्य, विशेषण विशेष आ गया, इसका मतलब कर्मद्वय समास है। उपमा उपमेय, अपन किसी को उपमा देते हैं, उपमा देते हैं अच्छाई को देखकर या उसकी बुराई को देखकर। तो कोई भी उपमा हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी वस्तु को दे सकते हैं, ऐसे। तो उसकी अच्छाई गुण और अवगुण दोनों को देख कर दी जाती है। जैसे बोल दिया अपन ने चंद्रमुख, चंद्रमुख ठीक है ना, चंद्रमुख। अब देखिए यहाँ मुख को उपमा दी गई है किसकी, चंद्रमा की, कि मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो मुख जो है वो उपमेय है और चंद्रमा है वो उपमा है। तो इस तरह से उपमा उपमेय वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वहां होता है कर्मधारय समास, विशेषण विशेष और उपमा उपमेय। फिर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास बहुत बड़ा समास है। अपन समास के 6 प्रकार पढ़ रहे हैं, 6 प्रकार समास के होते हैं, तत्पुरुष समास के वापस 6 प्रकार होते हैं। तो पहचान कैसे करनी है कि वो तत्पुरुष समास है, तो थोड़ा सा आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी एक लाइन में कहें तो दो पदों के बीच में समास विग्रह जब करते हैं तब कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कारक जो है हिंदी में 8 कारक है, उन 8 कारक में से 6 कारक है उनकी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ राजा और कुमार के बीच में का विभक्ति लगी हुई है, संबंध कारक की विभक्ति। यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है, अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो कारक चिन्ह लग रहे हैं, ये विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तत्पुरुष समास है। जब समास विग्रह करते हैं तो दो पदों के बीच में कारक चिन्ह अर्थात कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है, वहां होता है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों ये एक सामान्य सा परिचय है कि समास क्या है, समास किसको कहते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं, समास के अन्य नाम क्या है और समास की पहचान कैसे करनी है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि समास 2 शब्दों का मेल होता है। ये 2 शब्द कैसे मिलते हैं, जब उन दोनों ही शब्दों के बीच की विभक्ति को लोप किया जाता है, उसको गायब करते हैं और फिर एक छोटा रूप बनाते हैं, उसको कहते हैं समास। फिर समास का शाब्दिक अर्थ, जिसको छोटा रूप, लघु रूप या संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। फिर समास का विलोम अपन ने देखा था व्यास। फिर समास के 6 प्रकार होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर। ये विशेष लाइन याद रखनी है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं 4। फिर समास की पहचान कैसे करनी है, जो सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा था समास की पहचान, उससे तो आप विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। अब अपन पढ़ेंगे समास को विस्तार से, हर एक समास उसकी 4-5 विशेषताएं उनको। अभी मैंने सिर्फ एक एक विशेषता ही बताई थी, 1 या 2 विशेषता, अब अपन को डिटेल से पढ़ना है, पूरा विस्तार से पढ़ना है, जिसमें समास की 2, 3, 4, 5 जितने भी विशेषताएं वो पढ़नी है और उसके उदाहरण पढ़ने हैं। तो अब पढ़ते हैं समास और उसके प्रकार पूरे विस्तार से।